जय हिंद दोस्तों, तीन अमेजिंग फैक्ट्स के चौथे सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज तीन ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपको बेहद हैरान कर देने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला, ऊंटों को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? दूसरा, किस पेड़ का फल धमाका करते हुए फटता है? तीसरा, क्या खजूर और छुहारा एक ही है या फिर अलग अलग? तो चलिए तीन अमेजिंग फैक्ट्स में पहले दिलचस्प सवाल का जवाब सुनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऊंटों को जिंदा सांप खिलाया जाता है। ऊंटों को ऐसी अजीबोगरीब बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी में इस जानवर के शरीर में एक जहर बनने लगता है। इसका सही वक्त पर अगर इलाज न किया जाए तो जानवर की मौत हो जाती है। इस बीमारी से बचाने के लिए वहाँ के लोग ऊंट को एक जहरीला सांप खिला देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वे सांपों को खुद ही खा लेते हैं। सांप के जहर की वजह से पहले तो ऊंट बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं, और जैसे ही सांप के जहर का असर खत्म होता है तो ऊंट बहुत जबरदस्त भूख और प्यास लगती है, जिसके बाद ये रेगिस्तानी जानवर कई 100 लीटर पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती और ये बार बार पानी पीता है, जिसके कुछ ही दिनों के बाद बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके बाद ये एकदम से तंदुरुस्त हो जाती है। दोस्तों एक ऐसा पेड़ जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका सहित अमेजन वर्षा वन में पाए जाते हैं, जिनमें हम पोजेलमुत कहते हैं, इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पर लगे हुए फल पकने के बाद किसी बम की तरह धमाका करते हुए फट जाते हैं, जिसके बाद इसके बीज 257 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में फैल जाती है। अगर गलती से भी कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकता है। ये पेड़ 7 मीटर यानी 200 फीट तक बढ़ सकते हैं, और इसके बड़े अंडाकार पत्ते 2 फीट चौड़े हो सकते हैं। इसके फल कद्दू के आकार के होते हैं। एक स्रोत में कहा गया है कि जब फल पकने के बाद फटता है तो इसके बीज 100 मीटर दूर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा दिलचस्प सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ऐसे ही दिलचस्प अमेजिंग फैक्ट्स आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल MG एग्जाम क्रेकर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शब्बा खैर।